गैर मुनासिब सा लग रहा था, इसलिए देर हुई, माफी चाहता हूँ। और आपके बीच बोलने से ज्यादा मैं तो कुछ सुनने आया था, और अभी आपके बीच थोड़ी देर बाद मौलाना सज्जाद नौमानी साहब भी तशरीफ ला रहे हैं। मैं सिर्फ चंद बातें जो हिंदुस्तान में अभी घूमा, सबसे पहले तो सर दिल्ली वालों को मुबारकबाद, जो फैसला दिल्ली वालों ने करा, और हमारी माँ बहनों को। और ये मैं ऐसा नहीं है कि आपके बीच खेला हूँ, ये भी बता दूँ कि भोपाल को आप अपने साथ मानना, क्योंकि आपके साथ भोपाल की आवाम लगातार जिस दिन से शाहीन बाग शुरू हुआ उसके दो चार पाँच दिन बाद से वो लोग भी लगातार बैठे हैं इस बाल मैदान पे, और अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ ही रहेंगे वो। और मध्य प्रदेश में कई शाहीन बाग, बल्कि अभी मैं मध्य प्रदेश के दौरे पर था तो बेगम बाग जितने थे इंदौर में, तमाम जगह सबने अपने इलाकों के आगे बाग लिख के ही आपके उसमें बैठे हैं, और पूरा हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा है। और मैंने आज खास तौर से ये बात कही थी, और मैं अक्सर ये बात कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में इस आंदोलन को अगर किसी ने चलाया जो हमारे दस्तूर के खिलाफ हुआ, तो उस आंदोलन को जामिया के लड़कों ने और शाहीन बाग ने पूरे देश में उठाया। ये मैं साफ गोई से तमाम तंजीमों से कहता रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक। आज भी हम एक बैठक में थे, वहाँ राजरतन जी को आना था, वो नहीं आए, मौलाना सज्जाद साहब, मौलाना वली रहमानी साहब, जस्टिस पाटिल, चंद्रशेखर, हम सब लोग थे। मैंने वहाँ भी कहा, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि इस काले कानून को तमाम हमारे बड़े जिम्मेदारों ने जिस तरह पहले कानून कबूल कर लिए, ये भी कबूल कर लिया था, अगर जामिया नहीं खड़ा होता और शाहीन बाग नहीं खड़ा होता तो ये काला कानून भी जिस तरह पहले हमारे को एक्सेप्ट हुआ, ये भी कर लिया जाता। लेकिन आज आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है, और यकीन जानिए जो काम और जो कुर्बानी हमारी माँ बहनों ने दी है, तारीख के पन्ने पलटने के बाद ये एहसास हो जाता है कि जो तारीख के सफात में लिखा था, जब इस दौर में मर्द अपने घर बैठ गए, ऐसे वक्त में आप लोगों ने रोड पे निकल के हिंदुस्तान को चेता दिया कि अब सड़कों पे आ जाओ, वरना घर की छत भी तुम्हारे पास नहीं आएगी। जो सच्चाई है वो यही है, और इस हकीकी सच्चाई को सबको कबूल करना चाहिए। हम तो आपके साथ हैं, पूरा शहर हमारा आपके साथ है, मध्य प्रदेश आपके साथ है। और आपको बता दूं कि मुझको एक सियासी लीडर के रूप में नहीं, आप अपने भाई और बेटे के रूप में जाने, मध्य प्रदेश में अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा हूँ। और मध्य प्रदेश की सरकार से पहले दिन कह दिया था कि अगर सरकार ने सीए और एनआरसी मध्य प्रदेश में लागू कर दिया तो मैं मध्य प्रदेश की विधानसभा का मेंबर नहीं आऊंगा, और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बचेगी नहीं, ये बिल्कुल साफ कहते हैं। और उसी का अंदाजा था कि बाद में हमारे मुख्यमंत्री ने कहा, और अभी विधानसभा में भी उल्लेख होगा इंशाल्लाह। बहुत सारे लोग हैं, बहुत तड़प रहा है, परेशान है, और इस लड़ाई को अभी बहुत लंबी लड़ना है। आपके ऊपर जो हालात आए, और उन हालात का जिस रसायनियत से और जिस तरह से आपने संभाल कर जिस हालात को पूरे चुनाव भी देखा, यहाँ क्या क्या हालात हुए पूरा देश जान रहा है, मैं उन बातों को दोहराना नहीं जाता, लेकिन जिस सलीके तरीके से यहाँ के नौजवान साथियों ने और हमारी माँ बहनों ने इसका जवाब दिया, ये हिंदुस्तान को तारीख में एक शक्ल दी, आपने आगे आने वाली नस्ल को रास्ता बता दिया कि किस तरह आंदोलन किया जाता है, जुल्म के खिलाफ किस तरह किया जाता है। मैं आपसे यही दरख्वास्त करूंगा कि ये वक्त मजलूम के साथ देने का, जालिम के खिलाफ पंजा आजमाइश का, हमें मुत्तहिद होने का है, हमें अपने आप से इख्तलाफात को छोड़ने का है, जिस तरह शाहीन बाग और दिल्ली ने छोड़ा है, पूरा देश इससे सबक ले, अपने आप से इख्तलाफात को छोड़े, अपनी अना को छोड़े। सबसे ज्यादा आज जो दिक्कत है, कहीं ना कहीं आज भी हमारे सियासी लीडरान अपनी जमातों के नेताओं के चेहरे और उनके जवाब सुनना चाह रहा है कि क्या कर रहा है, तो मैं उनसे भी दरखास्त करना चाहता हूँ कि वो भी शाहीन बाग आए और यहाँ देखें, और ऐसे गुलामियत को छोड़कर जालिम के खिलाफ पंजा आजमाइश करें, ताकि देश आने वाले दिनों में याद रखे कि हम लोग मजलूम के साथ किस ताकत से खड़े होते हैं। बहुत सारी बातें हैं, अभी अम्बेडकर जी का एक संविधान को लेकर जिस तरह दौर हुआ, इससे पहले मैंने 2.5 साल पहले कहा था, मुझे अफसोस है मेरी पार्टी ने भी उस बात को ताकत से उस दौर में नहीं उठाया,
मैंने मध्य प्रदेश में 2.5 साल पहले, क्योंकि मध्य प्रदेश में 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ हम लड़े और हमने इस देश में वो नंगे नाच भी देखे और मध्य प्रदेश में भी देखा जहां इंसानों को जानवर से ज्यादा बदतर तरीके से बोला गया, वो भी हमारी आंखों ने मंजर देखा। उन दुनिया को देखते हुए हमने कहा था कि देश मुत्तहिद हो और ये तय करे कि जिस तरह जंगे आजादी में हम सबने मिलकर लड़ा था और हमारे बड़े उलेमा इकराम ने जिस तरह महात्मा गांधी को अकाइद माना था, आज हम फिर अंबेडकर के संविधान के साथ ईमानदारी से खड़े होना चाहते हैं, लेकिन दूसरों से भी दरखास्त करते हैं। मैं तो बरादराने वतन से यही कहूंगा, सिख भाइयों का धन्यवाद दूंगा जो यहाँ के सिख भाई मदद कर रहे हैं। आपने पूरे हिंदुस्तान का दिल जीत लिया, यकीन जानिए जो यहाँ लंगर चला रहे हैं आप नहीं जानते होंगे, लेकिन आज आपको पूरा हिंदुस्तान शाहीन बाग के लिए एहसान से आपको मानता है। आप जिस इलाके में जाएंगे पूरा हिंदुस्तान जब आप शाहीन बाग नाम लोगे, आज वो दौर आ गया। एक दौर वो भी देश ने देखा था जब सरदारों के खिलाफ आतंकवाद का तमका लगा था, लोग सरदारों को देख के घबराते थे और डरते थे, मजाक उड़ाते थे। आज शाहीन बाग ने तय कर दिया कि उन्हीं सरदारों की इज्जत तमाम अहले मुसलमान हिंदुस्तान का आपका हमेशा हमेशा एहसान मंद रहेगा जो आपने वालों को किया। और आज हम फिर ये कहना चाहते हैं कि हमने अपने लोगों से कहा है और अभी आपके बीच भी बड़े आएंगे और आगे आते रहेंगे। हालांकि मैं तो बहुत बड़ी तंजीमों के तमाम बड़े जिम्मेदारों से हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि अब आप इस आंदोलन में मत आओ, हमारे नौजवानों को शाहीन बाग को ये आंदोलन कर लेने दो, वो हम तो दरी पे बैठ के आंदोलन चलाएं। क्योंकि जब आपकी जरूरत थी तो 7 दिन तक पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि आप लोग घरों में बैठे रहे, आप बाहर नहीं निकले थे। अगर निकला था तो जामिया का लड़का निकला था, JNU का लड़का निकला था और शाहीन बाग निकला था। तो जब यही वो निकले थे तो अब आप हमारे पास चेहरा दिखाने मत आइए, मेहरबानी करके तो हमें ताकत दीजिए और हम उस आंदोलन को आगे बढ़ा दीजिए। क्योंकि हिंदुस्तान आज फिर एक खराब मरहले पे, देश आज फिर खराब मरहले पे, फिर नफरत की बुनियाद इतनी बड़ी खाई खड़ी की गई है, उसे तोड़ने की जरूरत है और हमें अपनी गलती का एहसास करने की जरूरत है। यकीन जानिए कहीं ना कहीं हमारे बड़ों ने गलती करी है, हमें सच्चाई को तस्लीम करना चाहिए कि जब मुल्क हिंदुस्तान आजाद हुआ और पूरे देश में हम लोग बरसर इख्तदार थे तो उस टाइम हमें तबलीग करना चाहिए थी, हिंदू भाइयों को अपने गले लगाना चाहिए था और उनको बताना चाहिए था कि ये देश हमारे बुजुर्गों ने खून की बाजी लगाकर आजाद कराकर दिया है। अगर हमने उनको बताया होता कि हमारे बड़े इदारे ये मदरसे मदारिस खानकाएं उस दौर में पनपी जिस दौर में तिरंगा हाथ में लिया था कि अगर तिरंगा हाथ में लेते थे तो गोली छाती पे पड़ती थी, उस दौर में दाली टोपी वालों ने तिरंगा हाथ में थामा था तो यकीन जानिए उनसे मोहब्बत हो जाती, उनसे मोहब्बत हो जाती, दाली टोपी से मतलब नहीं होती। लेकिन हमने अपना काम छोड़ दिया, लेकिन शायद अल्लाह ने आज फिर हमें मौका दिया है और अल्लाह जिससे काम लेना चाहे तो शाहीन बाग से काम ले लेता है। अब हमें इस काम को आगे बढ़ाना है। ये CNRC MPR तो रोक नहीं है, इसके साथ साथ मुल्क में नफरत को खत्म करने की भी कोशिश इस बहाने हमको और आपको मिलकर कर लेना चाहिए। ये मौका अल्लाह ने हमको दिया है, हमें देश में अलग जला देना चाहिए और ये अलग आप ही लोग जला सकते हैं। और मैं तो आप लोगों से तय करूंगा कि अब तो आप लोग हिंदुस्तान में एक रास्ता लोगों को दिखाएंगे, जाइए शाहीन बाग, आपको यकीन मानिए मध्य प्रदेश के कोने में भी घूमा हूं, कितनी इज्जत शाहीन बाग अगर आप नाम लोगे तो यकीन जानिए एक आदमी आपके लिए जान निछावर करने को तैयार बैठा हुआ। ये मोहब्बत जो आपने दी है इंशाल्लाह इस एहसान को देश भी मानेगा और हमारी नस्ल भी मानेगी, क्योंकि आने वाला वक्त हमें मुत्तहिद होकर लड़ने का है, आपसे इख्तलाफात को रोकने का है। फिर कहूंगा कि छीटा कशी से बचिए और लड़ने वाले चेहरों को ये आंदोलन तो चला दिया आपने, देश में चल पड़ा, लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि जो ऐसे चेहरे जो इस दौर में आपके संविधान को लड़ने के लिए संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं उनकी हिफाजत करना भी आपका काम है। हमें ये कोशिश करना है कि ऐसे चेहरों को बचाने की भी कोशिश करना है जो आपकी लड़ाई में कांधे से कांधा मिलाकर लड़े हैं। मैं इंशाल्लाह भोपाल से एक बहुत बड़ी टीम आपके बीच आना चाहती और वो वहाँ की लड़कियाँ नौजवान लड़कियों ने कॉलेज गई, मेरा खुद का कॉलेज है, मेरे कॉलेज की लड़कियाँ भी एक दिन आपके लिए दिन भर भूख हड़ताल पर बैठी है भोपाल में इकबाल मैदान में, उन्होंने भी शाहीन बाग के नाम एक दिन चला था, बहुत सारी लड़कियों ने मुझसे कहा हुआ था। तो इंशाल्लाह जब भी होगा तो आपके वो जरूर
भोपाल की नौजवान लड़कियां भी यहाँ शामिल होगी और आपके साथ इस सत्याग्रह में कंधे से कंधा मिलाकर शामिल होंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम हरदम आपकी लड़ाई में शामिल है। जब याद करेंगे